बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और कन्नड़ नाटककार रंगकर्मी गिरीश कर्नाड का सोमवार को 81 साल की उम्र में बेंगलुरु में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वो बीते कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और आज सुबह 8:30 बजे अपने घर में अंतिम सांस ली। कर्नाटक सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। CMHD कुमार स्वामी ने दिग्गज साहित्यकार के निधन के बाद राजकीय शोक की घोषणा की है। सरकार ने 1 दिन के पब्लिक हॉलीडे की भी घोषणा कर दी है। PM नरेंद्र मोदी ने भी गिरीश कर्नाड के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि गिरीश कर्नाड को सभी माध्यमों में उनके बहुमुखी अभिनय के लिए याद किया जाएगा। उनके काम आने वाले वर्षों में लोकप्रिय होते रहेंगे। उनके निधन से दुखी हूँ, उनकी आत्मा को शांति मिले। फिल्म और साहित्य जगत ने भी ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता गिरीश कर्नाड के निधन पर शोक जताया है। गिरीश कर्नाड ने सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है में भी काम किया था।